जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के संकीर्तन चैनल पर। आज हम उपासना के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म संस्कृत में प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान की दैनिक उपासना के उपक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके बिना आत्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। उप और आसन के संयोग से उपासना शब्द बना हुआ है, अर्थात मनुष्य जिस किसी के पास बैठता है उसकी विशेषताएं उसे प्रभावित करती हैं। उप यानी पास और आसन यानी बैठना। यदि हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें ताप महसूस होता है। यदि हम नदी या तालाब के पास बैठते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। और यदि हम किसी फुलवारी में बैठते हैं तो हमें भांत भांत की सुगंध मिलती है। सांसारिक मनुष्य के पास बैठने पर गुण अवगुण और स्वभाव उसका हमें प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के पास बैठकर ईश्वर की शक्ति और कृपा को प्राप्त करने में व्यक्ति सफल हो जाता है। उपासना के उपक्रम के द्वारा मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह आत्मा का असली धर्म कर्म है। प्रभु को प्राप्त करना ही आत्मा की भूख होती है। परमात्मा से जुड़कर आत्मा तृप्त हो जाती है। जिस प्रकार शरीर को प्राण की आवश्यकता है उसी प्रकार ईश्वर की उपासना आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता है। जिस आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश बरसता है उसे ही आत्मा समझनी चाहिए। जिस आत्मा पर ईश्वर का प्रकाश नहीं बरसता वह पूर्ण रूप से अनाथ है। परमात्मा हमारे पास है। उपासना के उपक्रम से आत्मा परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाती है। इससे ईश्वर के समस्त गुण प्राप्त होकर मन स्थिर हो जाता है। इसलिए उपासना ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए और इस उपासना से ही हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।